हेलो गाइस, स्मार्ट थिंकर्स के न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक, हमने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें जो टाइमर्स और स्विचेस का इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। और आई एम सपोजिंग दैट आप मेरी वीडियो को देख चुके होंगे, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो WPLSoft 2.41 वर्जन यूज़ कर रहे हैं डेल्टा WPLC यूज़ करने के लिए। जब तक ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है, आज के प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एक्सरसाइज वन है हमारे पास, हमें एक लेटर डायग्राम बनानी है जो वर्क करे पंपिंग वाटर मोटर के लिए, एक लेवल डिटेक्टर सेंसर हो और स्टार्ट सॉफ्ट स्विचेस हो। यानी आपके घर के मोटर पानी की मोटर को एग्जांपल देख सकते हैं आप। अगर आपके पास लेवल डिटेक्टर सेंसर है और आप उसको ऑफ और स्टार्ट और स्टॉप करना चाह रहे हैं यूजिंग PLC, तो आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है बनती है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको उसके बारे में नोटिफाई करना चाहिए कि आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो आपके पास बेटर डायग्राम बनानी है उसके इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि एक स्टार्ट का स्विच होना चाहिएगा, एक स्टॉप का स्विच होना चाहिए, एक लेवल डिटेक्टर सेंसर होना चाहिए और आउटपुट क्या चलनी चाहिए, मोटर चलनी चाहिए। ये थोड़ा इजी सा टास्क है, तो इसका स्टार्ट कर देते हैं। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ ताकि पहली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे बनेगी प्रोग्राम, कैसे एग्जाम्पल चलेंगी। पहले हम बटन लगाते हैं अपने स्टार्ट का स्विच। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक स्टॉप का स्विच भी मिल जाए ताकि जब मैं उसको स्टॉप करना चाहूँ तो मैं मोटर को स्टॉप भी कर सकूँ। अच्छा, अब हमें क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें पहले से प्रोग्राम को समझ लें कि मैं मोटर को स्टार्ट करूँ और स्टार्ट तब करूं जब हमारे पास लेवल डिटेक्टर सेंसर, वाटर लेवल डिटेक्टर सेंसर सेंस करे तब मोटर स्टार्ट हो। तो यहाँ पे एक सेंसर का स्विच भी होना चाहिए, इसका नाम दे देते हैं सेंसर के नाम से, और आउटपुट स्विच में मोटर लगा देंगे आप इसको, पंपिंग मोटर। लेकिन इसको अपने लैच में देना पड़ेगा, लैचिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोटर एक बार स्टार्ट हो जाए तो ये चलती ही रहे, इसीलिए मैं इसको लैचिंग कंडीशन में कर देता हूँ। अभी मैं इसको समझाता हूँ मैंने क्यों किया। देखें, स्टार्ट का बटन मैं प्रेस करूँगा, ये एक ही टाइम प्रेस होगा, मतलब ये वन टाइम स्विच है। एक टाइम प्रेस हुआ, स्टॉप का स्विच अब नॉर्मली क्लोज है और सेंसर मैं इस टाइम सपोज कर रहा हूँ पानी है तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे स्टार्ट का स्विच बंद हो जाए तो मोटर तो स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए मैंने लैचिंग कंडीशन बनाई कि मोटर चलती रहे। इसको रन करते हैं वैसे ही जैसे पूरे प्रोग्राम में करते हुए आएँ। सिमुलेटर स्टार्ट करेंगे, राइट टू PLC करेंगे, यस करेंगे, कंफर्म करेंगे और ऑनलाइन मोड पे आ जाएंगे। रन हो रहा है, आप देख सकते हैं नॉर्मली क्लोज, पहले ही नॉर्मली क्लोज है। मैंने वन टाइम मोटर को स्टार्ट किया, तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सेंसर सेंस नहीं कर सकेंगे वाटर है या नहीं, सेंस कर दिया मोटर स्टार्ट हो गई। लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट का स्विच ऑफ भी कर दिया तो, लेकिन मोटर तब तक स्टार्ट रहेगी जब तक लेवल सेंस कर रहा है। लाइक सपोज हमारे पास पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं आ रहा है, मोटर ऑफ हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिक से एक एग्जांपल थी स्विचेस की, तो ये हमने इजीली रन कर ली। थ्रू पढ़ लेते हैं। तो है कि बेटर लॉजिक बनानी है मोटर को, जो मोटर को रन करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 सेकंड्स एंड रिवर्स डायरेक्शन में 10 सेकंड्स और स्टार्ट स्टॉप स्विच हो जो कि किसी भी टाइम स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम, ये लेटर लॉजिक भी बहुत एग्जांपल है, आसान है, लेकिन इसको लगाने का मकसद ये है कि ताकि टाइमर्स पे थोड़ा हाथ साफ हो जाए, तो इस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। लेटर लॉजिक बनानी है जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चले, 10 सेकंड्स का टाइमर हो और मोटर को चलाना है और स्टार्ट स्टॉप का स्विच हो। तो ये पहले स्पेसिफाई करना लाजमी है कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास इनपुट कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं। तो वैसे स्टार्ट का एक स्विच ले लिया मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे ही मैं स्टार्ट का स्विच दबाऊँ तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाए जो कि 10 सेकंड फॉरवर्ड चलाए।
इसी तरह ये एप्लीकेशन सेट्स पे जाएंगे, बेसिक्स पे जाएंगे, टाइमर पे जाएंगे, टी सेलेक्ट करेंगे, जीरो के की वैल्यू को मैं 10 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। सही। अब इसी तरह टाइमर जैसे स्टार्ट हो तो क्या हो, ये आउटपुट हाई कर दिया फॉरवर्ड की डायरेक्शन को, यानी फॉरवर्ड मोटर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सिंपल। कॉम्प्लिकेशन आगे स्टार्ट होगी। अब इस तरह इसको मैं जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाऊं तो हम इंडेट कर देते हैं इसमें, स्टार्ट करूं तो इसी तरह टाइमर एक ऑल स्टार्ट हो, इसमें जाएंगे टाइमर स्टार्ट करेंगे, टी वन कर देंगे, ए की वैल्यू को 10 सेट करेंगे और इसी तरह जब टी वन स्टार्ट हो तो एक और आउटपुट हाई हो जाए जो कि रिवर्स का हो। इसमें स्टॉप स्विच नहीं लगाया मैंने, मैंने इसमें लैचिंग कंडीशन नहीं लगाई, मैंने इसमें कास्केडिंग नहीं करी। यानी आपको समझाना चाहूँ तो एक्स वन दबाऊँ तो एस टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड चल जाएगा, एक्स टू दबाऊँगा तो टाइमर चलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्स वन दबाऊँगा तो रिवर्स डायरेक्शन में चल जाएगा, लेकिन तब तक नहीं होना चाहिए। अगर मैं अब इसको सिंपल बन गया है, अब मैं इसको क्या डिपेंड कर देता हूँ, यानी अगर जब तक मैं फॉरवर्ड चले तो मोटर रिवर्स ना चले और जब रिवर्स चले तो फिर फॉरवर्ड ना चल पाए, सिंपल नॉर्मली क्लोज का ही स्विच लगेगा और ये डिपेंडेंट हो जाएगा वायर वन पे। इस तरह एक स्टॉप का स्विच लगा देता हूँ, सिंपल जिस तरह ऊपर क्या है वैसे ही नीचे भी होगा। रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, सिमुलेटर ऑन किया, राइट टू पीएलसी, यस, रन कर रहा है, रन आ गया। वैसे इसको सेट किया, टाइम टाइमर स्विच चला, फॉरवर्ड डायरेक्शन मोटर चलने लगी। वैसे मैं एक्स वन प्रेस करूँगा तब तक मोटर नहीं चलेगी जब तक फॉरवर्ड कंडीशन मोटर बंद नहीं होगी। वो किस तरह बंद होगी, प्रेस को हटा दूंगा, एक्स जीरो स्विच वन टाइम स्विच है वैसे, तो ये एट एन इंस्टेंट प्रेस होगा मोटर फॉरवर्ड चल जाएगी फिर ये बंद हो जाएगा। अब एट एन एक्स वी वन एट एन इंस्टेंट प्रेस होगा तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी फॉरवर्ड नहीं चल पाएगी। तो ये थी आज की वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको न्यू वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।